है दोस्तों नमस्कार, आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं मदन अपने यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज आपको एक खास जानकारी देता हूँ जिसका नाम है सीएनजी। सीएनजी जब आपकी गाड़ी एवरेज ना दे रहा हो और सीएनजी गाड़ी में कम आ रहा हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और बार बार गैस उसमें सीएनजी किट में ऑयल चला जाओ, सीएनजी कटअप ना ले रहा हो। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाई है बट पूरा डिटेल में नहीं बनाई। और सीएनजी टेस्टिंग में खर्चा कितना आता है, उसके बगैर आपका गाड़ी पासिंग नहीं होगी, ये सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहना, और कहाँ से करवानी चाहिए अच्छे रेटों में, और रेफरेंस के थ्रू आप जाओगे तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी कम लगेगा। बाकी आप लोग अपना अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो चलिए दोस्तों फिर से नमस्कार, मेरा नाम मदन। दोस्तों मैं कल की अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। कल दोस्तों कई दिन से मैं देख रहा हूँ गर्मी में इतनी सीएनजी खपत हो रही है। सीएनजी तो एक लॉजिक है, खपत तो होना है भाई, एसी ज़्यादा चलेगी तो। लेकिन आपने नोट किया होगा कि एक सिलेंडर सीएनजी 200 से 180 किलोमीटर चलती है, हाईवे पर 220-200 और नॉर्मल 160-180, बट मेरी गाड़ी सीएनजी दे रही थी 120। ठीक है, तो मैंने मतलब 2-3 दिन लोकल चलाया हूँ, मुझे बड़ा टेंशन हुआ यार कि हुआ क्या है, कैसे हो रहा है, ये दिक्कतें आ रही है, फेस आ रही है। तो भाई मैंने कोशिश किया कि पता करूँ, तो मैंने सीएनजी मैकेनिक के पास गया। सीएनजी मैकेनिक हमारे रोहित भाई है, जिसका आपको पिछले कई वीडियो में आपको नंबर भी मिला होगा। तो उन्होंने बताया कि मदन जी देखो सीएनजी में किट में ऑयल आ रहा है बार बार, तो आपकी सिलेंडर में ना ऑयल भरा पड़ा है। ऑयल भरा नहीं है, मतलब कुछ ऑयल है जो आपकी सीएनजी को भी एवरेज नहीं दे रहा और गाड़ी में गैस कम आती है। ठीक है, तो भाई मैंने कहा ठीक है कैसे होगा, बोला सफाई कराओ या इसकी टेस्टिंग कराओ। तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, आप बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपका एक नंबर देता हूँ, आप चले जाओ वहाँ पर, RPGP मोटर्स के नाम से है, उसका मैं कार्ड भी दे रहा हूँ, ये देखिए कार्ड आपके सामने। तो इनके पास गया, ये बुरारी के जगतपुर विलेज में प्लांट है इनका, न्यू सीएनजी इंस्टॉल भी करते हैं और पुरानी सीएनजी का टेस्टिंग भी करते हैं, सिलेंडर सफाई भी करते हैं। तो बट उन्होंने कंडीशन ये रख दी थी कि गैस खाली लेके जाना, गाड़ी में गैस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो भी गैस होगा वो हवा में उड़ाना पड़ता है। तो मैंने लगभग 1 किलो गैस रह गया था मेरी गाड़ी में, मैं लेके गया, मुझे दो घंटे तो नहीं, आधा से पौने घंटे में मेरा काम हो गया। सीएनजी का कंप्लेंस प्लेट होता है जो आपने देखा होगा, जहाँ सीएनजी का गैस फिलिंग रिफिलिंग होता है वहीं पे एक छोटा सा प्लेट चिपकाया जाता है, फिट किया जाता है। तो वो सब किया उन्होंने, नया लगा दिया, 3 साल के लिए फ्री हो गया मैं टेंशन। पैसे जो खर्च हुए दोस्तों वो उन्होंने मेरे से लिया 800 रुपये, बट अगर वहीं पे मेरे एक बंदे को देखा उनसे लिया 1100-1200 रुपये, ऐसे ही सबसे ले रहे थे। तो वो रेफरेंस पे मैं गया था तो उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, बट जब सीएनजी खोला सब कुछ किया उसके बाद जो ऑयल निकला ना भाई, कम से कम 150 ग्राम ऑयल निकला इसमें से, वो सीएनजी किट में बार बार दिक्कतें कर रही थी। तो वो ऑयल साफ हो गई, सीएनजी का सिलेंडर टेस्ट हो गया कि हाँ ओके है, सारा रिपोर्ट सर्टिफिकेट मिल गया, अभी गाड़ी की पासिंग आ रही है, अगले महीने 2-3 महीने बाद पासिंग है, तो वो सीएनजी का सर्टिफिकेट के बगैर आपकी फीस नहीं कटेगी, ये बात भी नोट कर लेना आप लोग। तो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम कराना शुरू कर दिया, गाड़ी में कोई भी दिक्कत है तो करवाना। अभी शीशे क्रैक हो गया थोड़ा सा, मैंने अभी पीछे चंडीगढ़ वाली वीडियो में बताया था आपको, पता नहीं छोटा सा पत्थर पड़ गया यहाँ पे, तो जिस दिन फिटनेस अपार्टमेंट होगा इसका दोबारा रिन्यू, उसे 1-2-3 दिन पहले लगाऊंगा इसको, क्योंकि कहीं अगर लगाया फिर अभी कुछ बात हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो शीशे भी जो है ना जैन शीशे मॉडल टाउन में है, उनसे लगवाया था मैंने, 3100 रुपये लिया था फिटिंग करके सब कुछ दिया था, बट इसमें शर्त यह है कि शीशे पे कभी भी पानी नहीं आना चाहिए 24 घंटे तक, नहीं तो शीशा अनफिट हो जाएगा फिर। दोस्तों ये रहा मेरा कल का स्टोरी, और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी सीएनजी ना आए तो भाई फिर सीएनजी भी अच्छी खासी आई, 7 किलो सीएनजी आई 12 किलो सिलेंडर में, इतना ही आता है गर्मी में 6 किलो 7 किलो 6 किलो 7, बट पहले आता था 4 किलो 4.5 किलो 5 किलो लास्ट।
तो प्रेशर भी था, हवा भी भर गया था उसके अंदर, गैस नहीं था, क्या बोलते प्रेशर वो, और क्या कहते हैं अपना ऑयल, ये दोनों भरा हुआ था। तो इस दोनों को मैंने खाली करवाया और उसके बाद भाई गैस भराया, तो गाड़ी की एवरेज भी अच्छी खासी दे रही है, अच्छी खासी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ 150 के आसपास में एवरेज दे दी कल निकाल के एक सिलेंडर से जी। तो भाई इसका थोड़ा सा फर्क पड़ा। और दूसरी चीज की जो उन्होंने एक सजेशन और दिया मुझे कि आप कल जब भी सर्विस कराओगे तो प्लग चारों चेंज कर देना, नया बोला बूस्ट का प्लग डालने के लिए बूस्ट का। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो देखते हैं। बाकी आज जी दोस्तों मैं निकल चुका हूँ हाईवे से लेकर के ड्यूटी, अपना गाजियाबाद से पिकअप है, मैं पिकअप पे जा रहा हूँ और वहां से पिकअप करने के बाद दोस्तों सीधा निकल जाऊंगा, सीधा सीधा अपना वहाँ वृंदावन, वृंदावन जाऊंगा। तो देखते हैं एक सिलेंडर में वृंदावन पहुंचता है या नहीं पहुंचता, क्योंकि पहले तो एक सिलेंडर में वृंदावन पहुंच जाता था, वृंदावन वापस घूम के फिर सीएनजी पंप आ करके फिर दिलवाते थे, तो ऐसा होता था, मतलब 180 से 200 किलोमीटर का एवरेज देता था हाईवे पे, वो चीज़ है। तो ये वाली बात है, देखते हैं अब इसका क्या रिपोर्ट आएगा। अभी फास्टैग के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, फास्टैग मैंने चेंज करने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि आईसीआई का बैंक का फास्टैग 500 रुपये से कम का रिचार्ज नहीं होता है, उसमें कुछ ब्लैकलिस्ट हो गया है मेरे से, और मेरी गाड़ी में चौथी फास्टैग है, पहले था HDFC फिर पेटीएम फिर ICICI अब हो गया SBI, मैं ले चुका हूँ, उसके बारे में ब्लॉग एक डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखना, पूरी इन्फॉर्मेशन में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसे प्यार दुलार बनाए रखिएगा दोस्तों। और दूसरी चीज, अगर आप लोग टेस्टिंग कराना चाहते हैं वो सब कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है टेस्टिंग वाले का, RGPG मोटर का, ये जगतपुर विलेज में आप जाके करवा सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और तब तक के लिए दोस्तों राम राम सभी को, जय श्री राम और वंदे मातरम। आप लोग अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी बात जरूर रखिएगा, थैंक यू।